विदिशा जिले के पठारी के सभी मंदिरों के पुजारियों का सम्मान मानवाधिकार संरक्षण परिषद द्वारा शाल श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी गण रघुनंदन रिझारिया, रमेश कुमार रिझारिया, सत्यनारायण पस्तौर, बैजनाथ प्रसाद व्यास, सुरेश कुमार दुबे, रामदास बाबा जी, रामेश्वर प्रसाद रिझारिया सहित सभी पुजारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बोहत ने सभी गुरुजनों के चरण स्पर्श कर कहा कि मंदिरों के रखरखाव में लगातार पीढ़ियों से जन सेवा करने, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले सभी गुरुजन सम्मान के पात्र हैं। मानव अधिकार संरक्षण परिषद सभी का सम्मान करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस अवसर पर पुजारी गण ने मानव अधिकार संरक्षण परिषद सभी का सम्मान करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस अवसर पर पुजारी गण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत, एडवोकेट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान सहित अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी राज मंदिर में उपस्थित थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। मानव अधिकार संरक्षण परिषद सामाजिक संस्था के माध्यम से पठारी क्षेत्र के सभी राज मंदिर में पधारे गुरुजनों का हमने संस्था की तरफ से एक छोटा सा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। सभी का आशीर्वाद पाकर हमें प्रसन्नता हो रही है और मैं इस अवसर पर सभी गुरुजनों के चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम करके इस बात को बताना चाहता हूँ कि यह निर्णय सम्मान समारोह का हमने किस लिए लिया है। आदरणीय गुरुजन, आपके चरणों में मैं सिर झुकाकर कहता हूँ कि मैं बचपन से मैंने देखा है हमारे पूरे देश के गुरुजन जो पुजारी जी होते हैं या कथावाचक जो होते हैं वो धर्म के रास्ते पर देश को चलाने, हिंदू धर्म के चलाने के लिए लगातार पीढ़ियों से प्रयासरत रहते हैं। मानव अधिकार समिति संरक्षण द्वारा, परिषद द्वारा सभी विप्र बंधुओं का जो मतलब सम्मान किया गया है, हम उनके लिए बहुत बहुत आत्मा से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान सदा उनके लिए प्रसन्न रखें। और आज हमारी बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने हम लोगों की चिंता की जी। बोलिए श्री नरसिंह भगवान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।